जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये यामा वालों की पसीनों गाड़ी है और ये काफ़ी ज़्यादा गाड़ी मिसिंग मारती है। तो आज इस मिसिंग की हम सोल्यूशन करेंगे करेंगे क्या, मैं कर चुका हूँ, मेरे को सिर्फ आपको बताना है कि मैंने क्या करा है ताकि आप सब भी कर सकें। कि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं बेचारे, बहुत इलेक्ट्रिशियन के भागते हैं, इधर उधर जाते हैं, CDA बदलते हैं, सब चीज़ करके देख लेते हैं, पिला पिला डाल के, लेकिन कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। हाँ, गाड़ी स्टार्ट है, इस्तेमाल हमने स्टार्ट कर दी, आप देख सकते हैं कोई मिसिंग नहीं है गाड़ी के अंदर, कोई भी मिसिंग गाड़ी के अंदर मिसिंग नहीं है। और इससे पहले बहुत मिसिंग मार रही थी गाड़ी, कुछ ज़्यादा मिसिंग मार रही थी, आवाज़ आ रही थी। हमारी गाड़ी के अंदर कोई मिसिंग नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करा है। आपकी ये जो चोक है, देख सकते हैं आप चोक, ये चोक यानी कि इसमें चोक जो लगती है हमारी, ये वाली ये चोक है, ये हम इसमें लगाते हैं तार में, इसको कस देते हैं, इसको हटा दो। इसको हटाने से आपकी मिसिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये पिस्टन जो है ख़राब हो जाता है, ये वाला पिस्टन, और ये मिलता नहीं है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, डाल दो नया, अगर हटा दोगे तो कोई परेशानी नहीं है इसमें। कोई मिसिंग नहीं है अब गाड़ी की। बस ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं डालूंगा, आप इतने ही देख लें। और पिस्टन अगर ये चौक हटाएंगे आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सोचेंगे मट्टी जाएगी, कूड़ा जाएगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे।